Hello students, <coughs> welcome to my channel Lifetime Learning Chemistry Biases. Today, my topic is classification of elements and product functions and their product trends. Under this chapter, I would like to explain the first topic that is atomic radius. So, what is atomic radius? It is the distance from the center of nucleus to the outermost shell. एटॉमिक so, रेडियस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर वाले शेल की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस बोलते एटॉमिक रेडियस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हैं जो एटॉमिक रेडियस होता है इसके ट्रेंड्स होते हैं पीरियड में पीरियड में ये क्या करता है पीरियड में जो छोटा होता चला जाता है और जो ग्रुप होता है ग्रुप में जे इंक्रीज करता है दूरी बढ़ती है सो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बोंड अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात बोंड के हिसाब से करो करें तो ये चार प्रकार के रेडियस माने जाते हैं कोवलेंट रेडियस आयनिक रेडियस मटालिक रेडियस एंड वंडरवाल रेडियस सो फर्स्ट रेडियस डैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन डैट इज कोवल एंड रेडियस द कावल एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स डैट शेयर ए कोवल एंड बोंड काबल एंड रेडियस जानने से पहले हमें काबल एंड बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए सो कोबल एंड बोंड वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बनता है सो म्यूचुअल वर्ल्ड का तो हमें पता ही है जैसे हम सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फ्रेंड क्या होते हैं जो एक म्यूचुअल फ्रेंड हो जो नोन हो ऐसे ही जो कोवलेंट बोंड होता है वो कैसे बनता है शेयरिंग के साथ जैसे मान लीजिए कि एच एच मीन्स हाइड्रोजन और सी एल सी एल मीन्स हाइड्रोजन को अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन सी एल से ले लेगा ले एक उसका खुद का होगा और उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इसी प्रकार से जो सी एल है क्लोरीन उसके वैलेंस शैल में सात इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर करके अपने आठ पूरे कंप्लीट कर लेगा और उसका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ठीक है इसे हम बोलते हैं कोवलेंट एंड बोन्ड और जो कोवलेंट कोवलेंट कोबल बोन्ड से ही अब आगे कोवलेंट रेडियस बनेगा सो कोवलेंट रेडियस हम क्या करेंगे हाफ लेंगे डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से हाफ डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस इसे आप इस प्रकार से भी डायग्राम के रूप में देख सकते हैं so, सो जो हाफ डिस्टेंस है डैट विल बी कोवलेंट रेडियस अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है तो आप हाइड्रोजन आइटम की ले सकते हैं इससे बैटर एग्जाम्पल कोई और हो, हो नहीं सकती सो so, जो हाइड्रोजन एटम का कोवल रेडियस होता है डेट विल बी थर्टी सेवन पिकोमीटर टोटल डिस्टेंस सेवेंटी फोर होता है और बट कोवल एंड रेडियस को हमने हाफ करना है तो ये क्या होगा थर्टी सेवन पिकोमीटर नेक्स्ट रेडियस इज आइनिक रेडियंस नेक्स्ट रेडियस इज आइनिक रेडियस सो आयनिक रेडियस जानने से पहले हमें आयंस का पता होना चाहिए आयंस क्या होते हैं जैसे हम बात करते हैं केटाइन और एनाइन की केटाइन हमें पता है केमिस्ट्री की कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो रेडियस बनेगा डैट विल बी जो सॉरी जो मतलब जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो स्पीशीज बनेगी डैट विल बी केटाइन अगर कोई एटम न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनआईन फॉर्म होगा सो so, उनके जो रेडियस हो गए वो क्या हो गए रेडियस सो आयनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है आयनिक रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू टू न्यूक्लियाई ऑफ टू आयंस अकॉर्डिंग टू दियर साइज़ेस। जैसे ये देख लीजिए अगर हम एनए की बात करें तो एनए में जो सी है वो एन है और जो एन पॉजिटिव है वो क्या है केट है ठीक है एक हमारा नॉन मेटल है एक हमारा मेटल है तो जो इनकी जो बीच का जो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे आयनिक रेडियस आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता होता है कि वाई के आइन हैज स्मॉलर रेडियस और एट नाइन हैज लार्जर रेडियस का वही एक्सप्लेनेशन है कि जो केटायन वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली उसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल होगा और जो हमारा एनायन है वो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करने के उपरांत बनता है इसीलिए उसका जो साइज होगा वो क्या होगा बड़ा होगा जैसे इस पिक्चर में देखो एग्जाम्पल दिए हो गए लिथियम का देखो रेडियस वन पिकोमीटर है और जब लिथियम से लिथियम पॉजिटिव फॉर्म हुआ तो उसका जो रेडियस है वो कम हो गया सिक्सटी पिकोमीटर हो गया इसी प्रकार से आप कोई और एग्जाम्पल ले लो जैसे फ्लोरिन फ्लोरिन सिक्सटी फोर पिक्कोमीटर है बट जब जे एनाइन बना मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और इसका साइज क्या हो गया पिकोमीटर ये क्वेश्चन आता होता पेपर में एक्सप्लेन बाय केटाइन आर स्मॉलर एंड एन एनाइन लार्ज इन देन देयर पेरेंट एटम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि केटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के उपरांत बनता है इसलिए उसका जो साइज है वो क्या होगा छोटा होगा कम होगा और जो एनायन है वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया जो केटायन है वो इलेक्ट्रॉन जो केटायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनता है ठीक है ठीक है नहीं गलत नहीं बोला मैंने ठीक बोल दिया और जो एनायन है वो क्या है इलेक्ट्रॉन एनायन जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के उपरांत बनता है उसका साइज बड़ा होगा केटाइन का साइज छोटा होगा आयोनाइशियन थेरेपी नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनेशन थेरेपी सो वॉट इज आयोनेशन थेरेपी आयोनेशन थेरेपी इज डिफाइंड एज इट इज द इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशेज एट इन इट्स ग्राउंड स्टेट सो आइनेशियन थेरेपी क्या होती है लेमेन व्यू में uh, कि जब हम लास्ट वाले शैल में से जब हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी है ना उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन इंथेरेपी और जब और जो जो एटम है वो अपनी गैश फॉर्म में होगा ठीक है और सेकेंड आइनेशन थेरेपी जब हमने एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अगर हमने फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो सेकेंड आइनेशन थेरेपी होगी वो पहले वाले से और भी ज़्यादा होगी क्योंकि साइज़ छोटा हो जाएगा और साइज़ छोटा होने के बाद न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल में जो इंटरेक्शन है ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और भी बढ़ जाएगा और सेकेंड टाइम इलेक्ट्रो को निकालना फिर और भी मुश्किल होगा सो आयनेशन थेरेपी क्या करेगी सेकेंड टाइम ज़्यादा होगी इसी प्रकार से थर्ड टाइम उससे भी ज़्यादा होगी नेक्स्ट इज वेरिएशन एलोंग ए पीरियड अगर हम आयनेशन थेरेपी की बात करें तो आयनेशन थेरेपी पीरियड में क्या करेगी पीरियड में जे इंक्रीज करेगी वो हमें पता ही है क्यों इंक्रीज करेगी क्योंकि जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं साइज़ साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है और न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल की जो इंट्रेक्शन है वो बढ़ती जाती है इसलिए जो आयोनेशन थेरेपी पीरियड में क्या करेगी इंक्रीज करेगी और ग्रुप में क्या होगा जो आइनेशन थेरेपी है ग्रुप में डिक्रीज करेगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस सो आइनेशन थेरेपी डिक्रीज इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल प्रियोडिक ट्रेंड आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि डाउन दी ग्रुप जो आयोनेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और पीरियड में क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या होती है सो इलेक्ट्रॉन गेन इन्थेरेपी इट इज द इट इज द वेन इट इज द एनर्जी Required to it is the energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. ठीक है जब हम बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन add करेंगे इलेक्ट्रॉन add करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इन Always ऑलवेज इसकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव में होती है क्योंकि ये रिलीज हो रही है और इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथालपी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन वो कम क्यों होती है वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी एज कम्पेयर टू क्लोरीन दिस इज दिस विल बी द एक्सेप्शनल केस इसका रीजन यही होता है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज जो स्मॉल होता है और उसके टूपी शब शल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपर्शन होने की वजह से रिपल्शन होने की वजह से तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर होने के लिए आता है मोस्ट शैल में उसे न्यूक्लियस से फुल मच अट्रैक्शन नहीं मिलती और वो क्या करता है उसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ही वो बाहर वाले शेल में ऐड हो जाता है इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेनोथेरेपी है वो क्या होती है लेस होती है होनी ज़्यादा चाहिए थी बट और क्या होती है लेस होती है प्रोडिक ट्रेंड की बात करें ग्रुप और पीरियड में अगर हम पीरियड की बात करें लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी है ये क्या होगी मोर नेगेटिव और व्हेन वी मूव विल मूव इन ए ग्रुप जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी इट विल बिकम लेस नेगेटिव चार्ट में आप देख सकते हो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो वट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज दी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर प्यर ऑफ इलेक्ट्रोन एक एटम की टेडेंसी कि दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की जो टेडेंसी है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो so, ये बॉन्डिंग इन्वायरमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करेगी सो so, इसकी अगर हम ट्रेंड्स देखें वेरिएशन देखें तो ये क्या करेगी जनरली इट इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्रॉस ए पीरियड पीरियड में ये इंक्रीज करेगी और जैसे ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ये क्या करेगी डिक्रीज करेगी सो so, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्यू है रिलेटेड टू टॉपिक इसे आप खुद से ट्राई करिए और कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आई नीड योर सपोर्ट